नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं आपके सामने जैसा कि स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है पीएच स्केल के बारे में बताना चाहता हूँ। पीएच स्केल एक 0 से लेकर 14 तक का स्केल है, जिसके अंदर अगर पीएच की वैल्यू 7 है तो इसका मतलब हमारा दिया गया घोल या सॉल्यूशन वो उदासीन है, इंग्लिश में न्यूट्रल कहेंगे। और अगर पीएच की वैल्यू 7 से 14 की रेंज के अंदर है तो वो क्षार है, इंग्लिश में उसे बेस कहेंगे। अगर हमारी पीएच की वैल्यू 7 से कम है, 0 तक है, तो उसे हम अम्ल यानी एसिड कहेंगे। अब क्षार और अम्ल होते क्या हैं? अम्ल वो पदार्थ होते हैं जो कि एच पॉजिटिव आयन जल के अंदर प्रदान करते हैं, और क्षार वो पदार्थ होते हैं जो कि जल के अंदर घोलने पर OH नेगेटिव यानी हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं। कुछ उदाहरण ले लेते हैं। टमाटर के अंदर, जैसे जिसको इंग्लिश में टोमेटो कहते हैं, उसके अंदर ऑक्सैलिक अम्ल होता है, इंग्लिश में ऑक्सैलिक एसिड होता है। इमली के अंदर टार्ट्रिक अम्ल होता है। मानव रक्त यानी ह्यूमन ब्लड है जो हमारा, उसकी पीएच वैल्यू 7.4 होती है, और लगभग हमारा जो मानव रक्त है वो न्यूट्रल होता है। आसुत जल यानी डिस्टिल्ड वाटर जो हमारा होता है, उसकी जो पीएच वैल्यू है 7 होती है। एसिड रेन यानी अम्लीय वर्षा जो होती है, उसके अंदर जो पीएच की वैल्यू है वो 7 से कम होती है, यानी 5.6 या उससे कम होती है। सिट्रिक अम्ल जो कोरोना काल के अंदर अब हमें डॉक्टर सलाह दे रहे हैं कि खट्टे फल खाइए, नींबू वगैरह, तो जो सिट्रिक एसिड होता है उनके अंदर वो लेमन है, नींबू जिसे हिंदी में कहते हैं। सिरका, जिसे हम ज़्यादातर चाउमीन वगैरह बनाने के अंदर यूज़ करते हैं या अचार बनाने के अंदर यूज़ करते हैं, इंग्लिश में इसे विनेगर कहते हैं, उसके अंदर एसिटिक अम्ल होता है, एसिटिक एसिड होता है। और लैक्टिक एसिड होता है हमारा दही के अंदर, इंग्लिश में उसे कर्ड कहते हैं। धन्यवाद।